जिला हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी को आज उसमें झटका लगा जब कांग्रेस के अग्रणी संगठन सेवा दल ने जिला प्रमुख राजीव चोपड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया। हमीरपुर के सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा की उपस्थिति में राजीव चोपड़ा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जिला हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी को आज उसमें झटका लगा जब कांग्रेस के अग्रणी संगठन सेवा दल के जिला प्रमुख राजीव चोपड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया। हमीरपुर के सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा की उपस्थिति में राजीव चोपड़ा ने सदस्यता ग्रहण की। बलदेव शर्मा ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और पूरे मान सम्मान का भरोसा भी दिया। राजीव चोपड़ा ने पार्टी छोड़ने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजीव चोपड़ा ने कहा कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उनकी ताजपोशी पर कई बार टिप्पणियां की थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात कर ये निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और पार्टी के किसी भी नेता से उन्होंने संपर्क नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि सेवा दल में उन्होंने 38 साल लगाए हैं, जबकि वे पहले एबीवीपी से जुड़े रहे थे। अपना राजनीतिक कॉलेज जीवन शुरू किया था 1982 में, तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला अध्यक्ष और संघ में भी मेरा आना जाना रहा है। पुराना व्यक्ति हूँ, घर वापसी कर रहा हूँ। वैसे लोगों को मेरे से परेशानी हो रही थी, जब बना था तब भी हुई थी, उसके बाद भी परेशानी में थे। 38 साल इस पार्टी को दिए हैं मैंने, उन्होंने बोला आज के लिए बोला था कुछ मैं अकेला आया हूँ, कुछ लोग आएंगे। हमारा नेशनल ट्रेनिंग कैंप लगा था भोपाल में, कितने दिन का था ये? 11 दिन का था। तो मीडिया से शेयर नहीं करेंगे इस बात को? छोड़ो, अब जो घर ही छोड़ दे उसमें क्या शेयर। पार्टी छोड़ने से पहले अपने जो हाई कमांड को? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं करी। व्यक्तिगत फैसला है आपका? बिल्कुल, देश के हित में फैसला लिया गया है। भाजपा के साथ काम करेंगे, भाजपा को जहाँ हमारी सेवा वहाँ पे अपनी सेवा। भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि सेवा दल कांग्रेस का प्रमुख संगठन है और उसके प्रमुख का भाजपा में शामिल होना पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका है और सभी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। तरफ से आज राजीव चोपड़ा जी जो सेवा दल में 38 साल से कांग्रेस में काम कर रहे थे, आज भाजपा में शामिल हुए हैं। हमारे परिवार की तरफ से, पूरा बीजेपी परिवार की तरफ से इनका स्वागत भी है और इनका अभिनंदन करते हैं। और चोपड़ा जी से आने से पार्टी को भी, संगठन को बहुत लाभ जिला में मिलेगा। जो व्यक्ति 38 साल से एक संगठन में, और सेवा दल संगठन कांग्रेस का सबसे मुखिया संगठन सेवा दल है, उसके मुखिया के नाते राजीव चोपड़ा जी पार्टी में आए हैं, जो कि आदरणीय मोदी जी की जो नीतियाँ हैं राष्ट्र के हित में, उनको देखकर और धोन साहब का जो काम है, अनुराग जी का, वो सारी बातें इनसे हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और हम भी विश्वास दाते हैं कि पार्टी में मिलजुल कर काम करेंगे। और जिस तरह करे 38 साल पहले इसी विचारधारा में थे, घर में वापस आए, परिवार का भी जब 36 साल के बाद वापस आए तो इसको संगठन को लाभ मिलेगा। मैं फिर एक बार पुनः पार्टी की तरफ से विश्वास दाता हूँ कि हम मिलजुल कर जीव चोपड़ा का, जना इनका और भी सहयोगी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और जिला में संगठन और मजबूत होगा, पार्टी को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का सफाया तो पूरे हिंदुस्तान में ही हो रहा है। क्योंकि जो भाषा वो आजकल बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर आपने देखा है, जो भाषा कांग्रेस के लोग बोलते हैं वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है। उग्रवादी है भैया, बाहर के जो लोग यहाँ पर आके हिंदुस्तान को जो बर्बाद करना चाहते हैं, उनके विरोध में अगर हमारी पार्टी अगर राष्ट्र से बात कर रही है तो वो उनके फेवर में खड़े रहते हैं। उनको 370 हटाने की तकलीफ है, 35 हटाने की तकलीफ है, 3 तलाकों की कांग्रेस को तकलीफ है, सीएम में तकलीफ है, राम मंदिर का जो बार उन्होंने उसको लटकाया लंबा कोर्ट में, बार बार डेट लेते रहे, कई साल से लटकाया है। तो इसकी नीतियों को देख के कई लोग कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। वहीं हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के कार्यों में देरी पर बलदेव शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री से बात की गई है कि क्यों
कॉलेज के काम के टेंडर बार बार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं, परंतु डॉक्टरों व मेडिकल सामान के लिए सही जगह न होने से सबको परेशानी होती है। वो पिछले बार में जब आया था यार मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल चौहान जी मिले थे और इसके बारे में परमार जी से भी बात की हमने कि 2-3 रुपये टेंडर हुआ रद्द क्यों हो रहे हैं। अब ये बिल्डिंग अगर अच्छा भवन बन जाता तो अच्छी सुविधा मिलती है। हमने तो ये भी कहा कि जो आयुर्वेदिक वाली बिल्डिंग खाली है, जो भी डॉक्टर तो 145 डॉक्टर आ गए, अच्छे डॉक्टर आ गए हैं, सही ढंग से वहाँ ढांचा नहीं है, अच्छी मशीनरी रखने की जगह नहीं होगी तो मरीज को कैसे देखेंगे। ओपीडी आपने देखा कि 2,500 मरीज थे पहले, आज पंडित जी 5,000 लोग यहाँ ओपीडी में आ रहे हैं और अच्छे डॉक्टर भी हैं। अब देरी का क्या कर रहे हैं मंत्री जी को, हमने बाहर रखा है टेंडर करें, काम करें भैया। अब इसके बारे में सीएम साहब बात भी करेंगे, जल्दी टेंडर करा के जो छप्पड़ में कुछ कम भवन बनना है और पैसा 300 करोड़ पड़ा है। और भाई अनुराग जी कहा कि पैसे, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय नड्डा जी का, उन्होंने काफी मैं जब शिलान्यास किया था सारा किया था हेल्थ मिशन थे। अब ये बिल्डिंग का काम क्यों देरी हो रही है इसके बारे में कारण हमने मंत्री से बात उतर की है। अब जल्दी टेंडर कोई हो रहा है, टेंडर हो जाएगा तो सुविधा मिल जाएगी जल्दी। पैसा तो आया हुआ है और भी पैसे जो कहते खर्च करो 300 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया और देंगे, पहले पैसा खर्च तो हो ना।